नमस्कार, मैं हूं निखिल अवस्थी और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन मेन हेडलाइंस के साथ। किसानों बागवानों ने सरकार को दिया अंतिम अल्टीमेटम, संघर्ष होकर रहेगा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष का बड़ा हमला, प्रदेश का किसान भी आंदोलन की राह पर। मुख्यमंत्री बोले, नवंबर तक पूरे प्रदेश में लग जाएगी कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। 100% कोरोना वैक्सीनेशन के लिए हिमाचल को पीएम की शाबाशी। स्वर्ण जयंती सुपर 100 मेगा प्रोत्साहन योजना शुरू, 30 तक आवेदन मांगे। चुनाव टालने का फैसला सरकार का नहीं, चुनाव आयोग का है। हिमाचल के 10 जिलों में 4 दिन बहुत भारी बारिश की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। लगता है अब किसानों और बागवानों का गुस्सा उबाल खाने लगा है। अपनी तमाम दुश्वारियों का जिक्र करते हुए किसान स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को भी याद दिलाते हैं। खैर, अब वे सरकार के आगे याचना करने के मूड में नजर नहीं आते। किसान वर्ग ने सीधे सीधे चेतावनी दी है कि उनका सरकार विरोधी प्रदर्शन 13 सितंबर से शुरू होगा और 25 सितंबर को वे राज्यव्यापी आंदोलन शुरू कर देंगे। हिमाचल के किसानों बागवानों ने सरकार को चेताया है कि उनकी मांगों पर जल्द कोई फैसला नहीं लिया जाता है तो उन्हें आंदोलन की राह अपनानी पड़ेगी। हिमाचल प्रदेश कृषि व बागवानी यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष केएन शर्मा ने कहा कि किसानों बागवानों को राज्य सरकार यदि वार्ता के लिए नहीं बुलाती है तो वे पहले जिला व ब्लॉक स्तर पर 13 सितंबर से अपना विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे। उसके बाद भी यदि उनकी मांगों पर कोई फैसला नहीं लिया जाता है तो फिर से 25 सितंबर से राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। इस सबकी जिम्मेदार स्वयं राज्य सरकार होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2004 में किसानों की समस्याओं व सुरक्षा के मद्देनजर स्वामीनाथन समिति गठित की थी। इसमें कृषकों को फसल के दाम निर्धारित, कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ करना था, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक समिति की यह रिपोर्ट लागू नहीं हो पाई है। इसी संदर्भ में 30 अगस्त 2021 को संवाद मंच के अंतर्गत 17 विभिन्न कृषि संगठनों ने किसानों की समस्याओं के बारे में कालीवाड़ी शिमला में एक सम्मेलन आयोजित किया था। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने सरकार पर संवेदनहीन होने का आरोप जड़ा है और धमकी दी है कि किसानों के आक्रोश से सरकार बच नहीं पाएगी। आइए देखते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट में। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने केंद्र सरकार के किसानों के साथ अड़ियल रवैये पर दुख जताते हुए कहा है कि देश में पहली बार एक ऐसी निरंकुश सरकार बैठी है जिसे ना तो लोगों की कोई परवाह है ना ही देश की। आज देश जिन गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है वह सब सरकार की जन विरोधी नीतियों का ही परिणाम है। राठौर ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आयोजित किसानों की महापंचायत को सरकार के प्रति एक बड़ा जन आक्रोश बताते हुए कहा कि सरकार किसानों के प्रति संवेदनहीन बनी हुई है। प्रदेश के बागवानों की कोई आवाज नहीं सुनी जा रही है। ऐसे में हिमाचल में भी किसान आंदोलन की राह पर है। प्रधानमंत्री के संबोधन के पश्चात प्रदेश सरकार काफी उत्साहित नजर आ रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली शाबाशी पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के फ्रंटलाइन वर्कर, कोरोना वॉरियर और राज्य की जनता इस बधाई की पात्र है जिन्होंने ये उपलब्धि अर्जित की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली शाबाशी पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के फ्रंटलाइन वर्कर, कोरोना वॉरियर और राज्य की जनता इस बधाई की पात्र है जिन्होंने ये उपलब्धि अर्जित की है। जो भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्टेड फिगर थी वो थी 54,30,000, जबकि हम में से आगे बढ़ करके अभी तक जो फर्स्ट डोज जो टारगेट था उस टारगेट को अचीव किया हमने 55,18,000 जो प्रोजेक्टेड फिगर थी एलिजिबल कैटेगरी की, जो 18 से ऊपर की, वो थी 54,54,30,000। और सबसे बड़ी बात, मैं आपके माध्यम से मैं हेल्थ डिपार्टमेंट को बधाई देता हूं, पूरी टीम को, डॉक्टर राजीव सैजल, इनके साथ सभी अधिकारियों को, और उसके साथ साथ में जो हमारे इस वैक्सीन के अभियान में लोग जो जुड़े हुए थे,
पीएम से वैक्सीन संवाद कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि शुरुआत में एक बड़ा कंफ्यूजन था, मगर पहले फ्रंटलाइन वर्कर ने टीकाकरण की शुरुआत की, जिससे एक विश्वास दूसरे लोगों में बढ़ा। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं व आशा वर्करों ने इस अभियान में महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। 17,92,000 लोगों को दूसरी डोज भी यहां लगा दी गई है और इस अभियान को नवंबर महीने तक पूरा करने की कोशिश करेंगे। सीएम ने कहा कि 54,30,000 पात्र लोगों को वैक्सीन लगाने की प्रोजेक्शन थी, मगर इससे आगे बढ़ते हुए 55,18,000 लोगों को पहली डोज लगाई गई। इसमें बाहरी राज्यों के मजदूर भी शामिल हैं, जिनका आंकड़ा जुटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बाद भी हिमाचल के लक्ष्य को हासिल कर देश में अपना नाम कमाया है, जिसके लिए प्रदेश का हर एक नागरिक बधाई का पात्र है। और मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि अब जो हमारे सामने जो सेकंड डोज का जो लक्ष्य है, जिसमें हम लगभग 17,92,000 का टारगेट हम पूरा कर चुके हैं, और अब हम उस पर फोकस करेंगे और उस पर फोकस करके नवंबर महीने तक हम कोशिश करेंगे कि हम सेकंड डोज को भी सैचुरेशन पर पहुंचा सकें। कोरोना वैक्सीन की पहली डोज का 100% लक्ष्य पूरा होने पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल को बड़ी शाबाशी दी। सरकार और स्वास्थ्य विभाग को इस कामयाबी पर प्रधानमंत्री ने खूब पीठ थपथपाई। उन्होंने हेल्थ वर्कर के साथ रूबरू होकर उनका भी हौसला बढ़ाया। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। में प्रशंसनीय है, इसलिए हिमाचल ने सबसे तेज टीकाकरण टीके की वेस्टेज किए बिना, ये बहुत बड़ी बात है, इस काम को सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टीकाकरण की सफलता ने जहां देश में हिमाचल का कद बढ़ाया है, वहीं हिमाचल के लोगों ने इस चुनौती को पार करके पूरे देश का आत्मविश्वास बढ़ा दिया है। इससे साफ है कि आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है। उन्होंने कहा कि 100 साल की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ हिमाचल प्रदेश चैंपियन बनकर सामने आया है। पहली डोज में नंबर 1 आने के बाद अब दूसरी डोज में भी हिमाचल सबसे अव्वल आएगा, इसकी उन्हें पूरी उम्मीद है। और एक टीम बनकर के काम किया, ये मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर हो, सरकारी डिपार्टमेंट हो, मुख्यमंत्री हो, सबने टीम बनकर के काम किया है। जी सर, जी सर। आप देखिए, पहले डोज में तो सफलता पाई है, अब दूसरी डोज के लिए भी हमें जरा भी ढीला नहीं पड़ना है। पीटर हॉफ में आयोजित संवाद कार्यक्रम में प्रदेश के लोगों को वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टीकाकरण की सफलता देश के लोगों के परिश्रम व पराकाष्ठा का परिणाम है। भारत में आज एक दिन में 1.25 करोड़ वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बन रहा है, जो कुछ देशों की आबादी भी नहीं है। शुरुआत में लोगों में भ्रांतियां फैलाई गई, परंतु देशवासी गुमराह नहीं हुए और आज हिमाचल प्रदेश के लोगों ने पूरे देश को सबक दिया है। उन्होंने देशवासियों को मास्क व दूरी के मंत्र को ना भूलने की सलाह दी। पीएम ने कहा कि हिमाचल के बाद सिक्किम व दादरा नगर हवेली भी पहली वैक्सीन डोज के पड़ाव को पूरा कर चुके हैं। जयराम सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे मेधावी छात्रों के लिए स्वर्ण जयंती सुपर 100 मेगा प्रोत्साहन योजना शुरू की है। सीएम की बजट में की गई इस घोषणा को उच्च शिक्षा विभाग ने लागू कर दिया है और 30 सितंबर तक छात्रों से आवेदन भी मांग लिए गए हैं। जयराम सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे मेधावी छात्रों के लिए स्वर्ण जयंती सुपर 100 मेगा प्रोत्साहन योजना शुरू की है। सीएम की इस बजट घोषणा को उच्च शिक्षा विभाग ने लागू भी कर दिया है और 30 सितंबर तक छात्रों से आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए 10वीं की मेरिट में आए छात्रों के अलावा अन्य मेधावी बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं। स्कीम में जाति और आय जैसी कोई शर्त नहीं है, सभी पात्र हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने योजना संबंधित गाइडलाइन में कई शर्तें लागू की हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि छात्र को अपनी पढ़ाई प्लस टू तक सरकारी स्कूल में ही करनी होगी। यदि लाभार्थी छात्र प्राइवेट स्कूल में अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र लेते हैं तो उनसे राशि वापस ले ली जाएगी। शिक्षा निदेशालय के माध्यम से अभी तक 1000 मेरिट छात्रों की सूची मिली है। ऐसे में सरकार ने एक बार फिर से छात्रों और अभिभावकों को इस योजना के तहत आने वाले छात्रों को 30 सितंबर तक का मौका दिया है। प्रार्थना पत्रों तथा योग्य कोचिंग संस्थानों के सत्यापन के बाद उच्चतर शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर 100 छात्रों का चयन कर सूची उपलब्ध करवा दी जाएगी।
विपक्ष के आरोपों के बीच आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार इलेक्शन से पीछे नहीं हट रही है। वे पूरी तरह से प्रदेश के दौरे पर थे ताकि चुनाव की तैयारी की जा सके। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को मिली फीडबैक के बाद ही इस पर फिलहाल रोक लगी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि केंद्रीय चुनाव आयोग के समक्ष राज्य सरकार ने तथ्य रखे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सरकार चुनाव से पीछे हट रही है, बल्कि तथ्यों के आधार पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है। सीएम ने उपचुनाव के टलने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव के लिए हमारी पूरी तैयारी थी। उन्होंने खुद मंडी संसदीय क्षेत्र में केवल किन्नौर को छोड़कर शेष स्थानों का दौरा किया, जहां पर चुनाव प्रचार अभियान पूरे जोरों पर था। हमने कोई इस तरह का एफिडेविट नहीं दिया जिसमें कहा कि चुनाव नहीं होने चाहिए। हमने बड़ा साफ कहा है और हमारी प्रेपरेशन आप देखिए, मैं इस वक्त जो है मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट रहता, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी रहती है किन्नौर, वहाँ को छोड़ करके सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी का दौरा भी कर चुका। हमारी प्रेपरेशन तो ये थी और उसके अतिरिक्त जहाँ तीन असेंबली के कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शन हुए, तीनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम टूर करके आ गए। हमारी प्रेपरेशन ये है, लेकिन उसके बावजूद जब उनने फैक्ट्स पूछे कोविड की सिचुएशन, स्वाभाविक रूप से कोविड की सिचुएशन पिछले दिनों में केसेस बढ़े हैं, इसको कहां तक छुपाएंगे? ये हम छुपाने की बात थोड़ी है हमारे पास कोई है। सीएम ने कहा कि किन्नौर को छोड़कर शेष जगहों पर अभियान में वे खुद शामिल रहे हैं। इसके साथ तीन विधानसभा क्षेत्रों में भी चुनाव प्रचार अभियान जोरों पर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय चुनाव आयोग को सरकार ने तथ्य दिए थे, बताया गया था कि कोविड की स्थिति इस समय कैसी है। पिछले समय में कोविड के मामले बढ़े थे, लिहाजा इसकी जानकारी आयोग को दी गई। इसी तरह कोविड के साथ साथ मौसम की मार भी चुनाव टालने की बड़ी वजह रही होगी। और आइए अब जानते हैं मौसम का हालचाल। हिमाचल प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय 10 जिलों में 7 से 10 दिसंबर तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 12 सितंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। सोमवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा, हालांकि दोपहर बाद शिमला में धुंध के साथ आसमां बादलों से घिरा रहा। ऊपरी क्षेत्रों में हल्की हवाओं से मौसम में ठंडक भी महसूस की गई। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के एक व दो स्थानों पर हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही अधिकतम व न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री अधिक रहा। बीते 24 घंटे के दौरान सबसे न्यूनतम तापमान केलांग में रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग की माने तो 10 सितंबर तक राज्य में येलो अलर्ट है। चलते चलते देखते हैं कुछ और बड़ी खबरें। मंडी के लड भड़ोल में बंदर के डर से छत से गिरा मासूम, अस्पताल में तोड़ा दम। शिमला के चौपाल में खाई में गिरी सेब से लदी जीप, ड्राइवर की मौके पर मौत, 2 सवार घायल। NH5 पर ज्यूरी में फिर दर की पहाड़ी, सड़क पर मलबे से थमे गाड़ियों के पहिए। कुल्लू में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने चर्च के साथ दबोचे आगरा के तस्कर, पूछताछ शुरू। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही और देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।